नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू और कश्मीर में अस्पताल, बैंक और स्कूल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उपस्थिति में आगे सुधीर की उम्मीद। भारत और रूस ने एक दूसरे की संप्रभुता और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप नहीं करने के लिए आपसी समर्थन को दोहराया। उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया घोटाले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने नकदी रहित उपचार कराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में भेजने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। और टोक्यो में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट का फाइनल जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर में स्थिति में आज उल्लेखनीय सुधार हुआ है और घाटी में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य में अस्पताल, बैंक और स्कूल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। श्रीनगर में पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी और कश्मीर क्षेत्र के स्कूल शिक्षा निदेशक के साथ मीडिया से बातचीत में सूचना और जनसंपर्क निदेशक सैयद सहरीज असगर ने कहा कि जम्मू डिवीजन में कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई खबर नहीं है और वहां सभी विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान में सामान्य रूप से पढ़ाई हुई। हालांकि कश्मीर घाटी से कुछ छिटपुट घटनाओं की खबर है जिसे स्थानीय रूप से निपटा लिया गया। घाटी में आज 747 मिडिल स्कूल खुले थे। कश्मीर घाटी के कुछ दक्षिणी इलाकों में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम रही जबकि उत्तरी इलाकों में उपस्थिति 50% तक थी। डॉ सैयद सहरीश असगर ने बताया कि श्रीनगर में कुछ निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गईं। घाटी में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है तथा अस्पताल और बैंकों ने सुचारू रूप से कामकाज करना शुरू कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 70-90% रही। उपस्थिति में आगे भी सुधार की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज बारामूला, हंदवाड़ा, सोपोर में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर घाटी में हम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था की स्थिति में हर प्रकार से सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक एवं प्रभावशाली उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में तनाव पैदा करने और शांति में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि हालात खराब करने के लिए कुछ स्वार्थी तत्वों की ओर से फैलाई जाने वाली अफवाहों की ओर वो किसी भी प्रकार से ध्यान न दें। पुलिस महानिदेशक ने उत्तरी कश्मीर के जिलों के अपने दिन भर के दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ भी बातचीत की और उन्हें निर्देश दिया कि पूरी तरह वो चौकस रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं आरके रहना। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने से आतंकवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को गहरा धक्का लगा है। स्थिति में सुधार हो रहा है, प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। उच्च आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि मीडिया का एक वर्ग जम्मू कश्मीर में हिंसा से जुड़े पुराने वीडियो क्लिपों का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार कर रहा है। अफवाह फैलाने वाले खबरों को खारिज करते हुए सूत्रों ने स्पष्ट किया कि कोई भी घाटी की भाषा और संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विविध संस्कृति को संरक्षित किया गया है। ये समझने की जरूरत है कि सरकार का फैसला संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हुआ है। अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाए जाने से राज्य में औद्योगिक विकास, पर्यटन और व्यापार में वृद्धि होगी। इसके अलावा लोगों को बेहतर सिविल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिलेगी जिनका राज्य में अभाव है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। उसकी पहचान बारामूला निवासी मोमिन गोजरी के रूप में हुई है। मुठभेड़ में राज्य पुलिस बल के एक विशेष पुलिस अधिकारी बिलाल अहमद भी शहीद हो गए। सेना का एक जवान और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुंदरबनी सेक्टर में अग्रिम चौकियों पर अकारण गोलाबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने जम्मू में आकाशवाणी को बताया कि करीब 4:15 बजे पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत और रूस ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान तथा किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप न करने की नीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव ने आज मॉस्को में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और रूस में दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पेत्रुशेव ने अगले महीने के शुरू में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अजीत डोभाल ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्मोस के निदेशक से मुलाकात की और भारत के गगनयान कार्यक्रम में सहयोग के बारे में भी चर्चा की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत भारत के पड़ोसी पहले की नीति पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी से एफएम गोल्ड चैनल, इंद्रप्रस्थ और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे? दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी। अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो? दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी। और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या? दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दवाई की दराज में ORS भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS है ना, साथ में जिंक भी देना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैडम जी, मुझे इस बार तनख्वाह थोड़ी पहले दे देना, गुड्डी का आधार बनवाने जाना है। अरे, गुड्डी का आधार तो मुफ्त में बनेगा। सच्ची, आधार बनवाना तो मुफ्त है ही, और अगर आपके बच्चे 5 या 15 साल के हो चुके हैं तो उनका बायोमेट्रिक अपडेट भी निःशुल्क है। आधार में अपना पता बदलवाना चाहते हैं या कोई और डिटेल ठीक करवाना चाहते हैं तो उसका शुल्क सिर्फ 50 रुपए है। मेरा आधार मेरी पहचान। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने याचिका में INX मीडिया घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, M शांतना गौडर और अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि याचिका के सूचीबद्ध हुए बिना वे इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब श्री चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने मामले की आज ही सुनवाई करने के लिए बार बार अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि याचिका में कुछ खामियां हैं और इसके बारे में रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचना दे दी गई है। न्यायालय ने कहा कि याचिका की खामी पर अभी को दूर किया गया है और आज ही सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौखिक दलील के आधार पर याचिका पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे संबंधित कागजात इनके पास नहीं है। बाद में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आगे आने की आलोचना की है। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं, उसे लगता है कि उनके संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। CBI और प्रवर्तन निदेशालय के राजनीतिक दुरुपयोग के कांग्रेस के आरोप का खंडन करते हुए श्री राव ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में श्री चिदम्बरम को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि श्री चिदम्बरम को इस मामले में जांच का सामना करना चाहिए। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। वे INX मीडिया मामले में तुरंत गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं। श्री चिदम्बरम ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस मामले में किसी भी अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया है और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को। उन्होंने कहा कि इस संबंध में न तो प्रवर्तन निदेशालय और न ही CBI ने किसी सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत अब तक लगभग 40 लाख लोगों का गंभीर बीमारी के लिए इलाज हुआ है। इस पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। इससे लाभार्थी परिवारों को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बचत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की समीक्षा के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध शिकायत पोर्टल की भी शुरुआत की। इस ऑनलाइन पोर्टल पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 23 सितंबर आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक रिपोर्ट। भारत और जाम्बिया के संबंध जाम्बिया की आजादी से भी पुराने हैं। जाम्बिया भारत का महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लोगों को ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 16 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की अगली कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने आज दिन में 12:50 पर चंद्रयान 2 को अगली कक्षा में भेजने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। इस समय यह चंद्रमा के निकटतम 118 और अधिकतम 4412 किलोमीटर की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इस यान ने कल चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसे अब धीरे धीरे चंद्रमा के और नजदीक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस महीने की 28, 30 तारीख और 1 सितंबर को चंद्रयान 2 को अगली कक्षा में ले जाने की प्रक्रिया करेगा। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आज प्लास्टिक पोल्यूशन से नदियों और समुद्र में मछलियां और कछुए मर रहे हैं और सड़कों पर मवेशी भी, पर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए अगली बार जब बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का बैग साथ ले जाएं और प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है। आज फाइनल में महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराया। नवजोत कौर और लालरिम सियामी ने गोल किए। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज दूसरे दौर में उन्होंने चीनी ताइपे की पाई यूपो को 21-14, 21-15 से हराया। आज ही साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स के दूसरे दौर में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में उन्हें बाई मिली। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज बिकवाली तेज रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 268 अंक घटकर 37,060 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 98 अंक कम होकर 10,919 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 71.55 रूपये के स्तर पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों फ्रांस, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कल रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस जाएंगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उनका 23 अगस्त को फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय राय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और अन्य पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने एनडीटीवी मीडिया के पूर्व अधिकारी विक्रमादित्य चंद्र पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज किए हैं। इन पर आरोप है कि विदेशों में 32 सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशी मुद्रा का अवैध ढंग से अंतरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में अस्पताल, बैंक और स्कूल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उपस्थिति में आगे सुधार की उम्मीद। भारत और रूस ने एक दूसरे की संप्रभुता और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप नहीं करने के लिए आपसी समर्थन को दोहराया। उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया घोटाले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने नकदी रहित उपचार कराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में भेजने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। और टोक्यो में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट का फाइनल जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।